हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि गोठाने, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट ढोकला। ढोकला सभी को बहुत पसंद है और फटाफट 5 मिनट में बन जाता है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले हम कुकर में पानी रख देते हैं। ये जो छलनी है ये अंदर डूब जानी चाहिए पानी में, और इतना इतना पानी ऊपर रहना चाहिए। इसमें हमने कुकर के बर्तन में ऑयल लगा के रख दिया है, और बेसन लिया है 2 कप, और आधा कप हमने रवा ले लिया है। तो सबसे पहले हम रवा ले लेते हैं। और 2 कप हम बेसन ले लेंगे। रवा और बेसन थोड़ा मिक्स कर लेंगे और उसमें डालेंगे इनो। और इसे फटाफट हमें करना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस तरह से हमारा बैटर हो जाना चाहिए, ऐसा फूल जाना चाहिए। देखिए कैसा फूल गया है, और फास्ट फास्ट करना है बिल्कुल। और हम इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। ये प्रोसेस हमें 1 मिनट के अंदर करनी है, बहुत फटाफट करना है इसे, नहीं तो हमारा ये दब जाएगा तो अच्छे से हो फूलेगा नहीं। अभी इसमें हम रख देते हैं। और प्रेशर हमने निकाल दिया है। अभी इसे 5 से 7 मिनट तक हम इसे रखेंगे, ज्यादा रखना नहीं है। अभी 5 मिनट हो गए हैं, हम गैस बंद कर देते हैं और इसी में ठंडा होने देते हैं और 5 मिनट। तब तक हम तड़का बना लेते हैं। सबसे पहले हम पानी को बॉईल कर लेते हैं। और उसमें डालते हैं शक्कर, ये बॉईल करने के लिए रख देते हैं। अभी इधर बना लेते हैं तड़का। हमने तेल डाला है। तड़के के लिए हमें लगेगी राई, तिल, एक चम्मच तो हमने तिल लिया है, और हींग, और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और मिर्ची, और कड़ी पत्ता, और नींबू का रस। नींबू का रस हम पानी में डाल देंगे बाद में। अभी हमारा पानी भी बॉईल हो गया है। हम गैस बंद कर देते हैं और ढक्कन रख देते हैं। अभी हमारा तड़का भी, तेल भी गर्म हो गया है। अभी हम तड़का बनाते हैं। हमने राई डाल दी है। हींग, गैस मैंने बंद कर दिया, तेल ज्यादा गर्म हो गया था। तिल, मिर्ची और कड़ी पत्ता। थोड़ी सी हल्दी हम डाल देंगे इसमें। अभी हमारा कुकर ठंडा हो गया है, हमने 5 मिनट रखा था।
अभी इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारा ढोकला कड़े हम निकाल लेते हैं। अभी हम इसे प्लेट को ऐसा उल्टा करके निकाल लेते हैं। अभी गरम है, इस तरह से हमारा हो जाना चाहिए। बहुत सॉफ्ट हो गया है ढोकला। कुकर में आराम से बन जाता है। अभी हम इसमें गरम पानी है, इसमें थोड़ा नींबू का रस डाल देते हैं ताकि हमारा ढोकला भी अच्छे से खट्टा मीठा हो जाए। पानी इसलिए डालते हैं ताकि हमारे जब हम खाते हैं तब गले में अटके ना और सॉफ्टली खा सकें। बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत सॉफ्ट बन जाता है, एकदम रुई जैसा। अभी हम इसमें तड़का डाल देते हैं। तड़का हमने अलग से बनाया है। हल्दी डाल दी है ताकि हमारे ढोकले में थोड़ा कलर आ जाए। ढोकला इतना सॉफ्ट बना है, बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। यह हमने सर्विंग बाउल में निकाल दिया है। ऊपर से थोड़ा हम इसमें धनिया डाल देते हैं इस तरह। आज का हमारा इंस्टेंट ढोकला आपको जरूर पसंद आएगा। आप इसे जरूर बनाइए। हमारी नेक्स्ट रेसिपी रहेगी दाल ढोकले की, वो भी बहुत अच्छी बनती है। और आप इसे जरूर बनाइए, उसे भी जरूर बनाइए। मैं जल्दी ही उस अपलोड करूँगी। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।